हम अपने जीवन को गहराई से देखें, इस शरीर का अपन इतना ध्यान रखते हैं, इसकी चिंता में इतने परे शरीर से चला रहे हैं, अपन शरीर से बात कर रहे हैं, ये शरीर का कल का भी भरोसा नहीं है कि कल ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? हार्ट फेल हो जाए, कोई महाबीमारी घेर ले, और क्या करेंगे, क्या करोगे आप? एक रुपया आप, 1% आप इस शरीर को रोक नहीं सकते, इसका जो परिणाम होना है होना। और चिंता कर रहे हैं, खूब खाने पीने में सावधानी बरत रहे हैं, खूब ध्यान रख रहे हैं, ये चीज़ इतना नुकसान करेगी, ये चीज़ इतना नुकसान करेगी, ये सब निमित्त के कथन है भैया। जब कर्म का उदय आएगा, तुम कितने ही सावधानी पूर्वक सब खाते रहना, करते रहना, कुछ नहीं, सब 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 उड़ जाएगा। फिर आगे चलो, फिर स्त्री पुत्र मकान, इनकी चिंता, ओ कितनी चिंता, बच्चे की कितनी चिंता, रात और दिन चिंता। कोई कह रहा भैया थोड़ा हंस तो लो, अरे नहीं मिले अभी हंसना नहीं है, अभी बच्चे की बहुत चिंता है। क्या चिंता? इसका कैरियर बनाना है, इसको कुछ बना के दिखाना है। और पता चला तो कैरियर की चिंता करता है, जवान लड़का मर गया, किसी का 16 साल का बच्चा मर गया, क्या कर लोगे? और जो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई हवाबाजी है, ऐसा ही स्वरूप है संसार का, तो फिर करें क्या? आनंद से रहो, ज़्यादा चिंता मत करो। चिंता तो तब करनी चाहिए जब अपने अनुसार कुछ होने भी हो, चिंता तब करने का फायदा है। एक बात बताओ, अपन स्टेशन पर बैठे हैं और अपन ट्रेन की चिंता कर रहे हैं, क्या करोगे ट्रेन की चिंता की? ट्रेन तो जब आएगी अब तभी आएगी, अपने हाथ में तो नहीं है ना लाना, अपने हाथ में है, लेकिन अपन चिंता करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, बैठे बैठे बार बार देखेंगे। अजय के बाद आओ, और किसी उड़ के चली जाएगी क्या? तुम जब सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, देखा अपनी मनोवैज्ञानिक चिंता, देखी तुमने अपनी हालत, देखी सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, अनाउंसमेंट भी है कि इसी पर ट्रेन आने वाली है, और ये भी अनाउंसमेंट है कि 1 घंटे बाद आने वाली है, फिर भी देखो ना तुम बार बार, जैसे उड़ जाएगी इसको ट्रेन लेके नहीं जाएगी, बार बार झाँकेगा, बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, किसी ऑन ट्रेन का हॉर्न होगा तो देखेगा। आदत पड़ गई चिंता करने की, आदत है, हम बिना चिंता के जीना नहीं चाहते, हमें ऐसा लगता है चिंता करना बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी शांति से आनंद से रह रहा हो, कोई चिंता नहीं करता हो, तो पत्नी कहती है तुम कोई चिंता ही नहीं करते, घर वाले कहते तुम कोई चिंता नहीं करते, वो कहता किस बात की चिंता करनी है, अरे चिंता करो ना थोड़ी बहुत। मैंने हम चिंता करें, टेंशन में रहें तो सब लोग समझते हैं कि समझदार आदमी, और कोई मस्त मौला रहे, आनंद से रहे, अपने रोड पे मस्ती से जाए तो सब सोचते पागल आदमी। ये हमारा जीवन है, ये से हम पागलपन में जीते। अपन इसलिए नहीं हंस रहे कि साहब कल रोना पड़ेगा, अरे तो भाई कल के लिए आज क्यों खोना, आज हंसो आनंद से। कैसे धर्म के नाम पर रोना 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 रोना, सब सम्मिलन मोक्ष फलाना ढिकाना, और कुछ पता है नहीं, कुछ खबर है नहीं, लेकिन चिंता लेने की आदत पड़ गई ना। तो आप देखो दुनिया कैसी चलती है, अपने बच्चे नहीं है तो भतीजों की चिंता करता है, खुद के नहीं हो ना तो भाई के बच्चों की चिंता करने लगता है, और भाई के नहीं हो तो बहन के बच्चों की चिंता करने लगता है। चिंता करना है, लेकिन करना है वो तो किसी ना किसी चीज़ की। क्यों? जन्मों जन्मों से चिंता करने की आदत पाली, पर द्रव्य का कर्तृत्व पाला है, मैं करने वाला, ऐसा अंदर में ऐसा कर्तृत्व पाला है, कि कर्तृत्व पाला है जिसके कारण दुखी हूँ, और कर्तृत्व नहीं मिले, करने धरने का अवसर नहीं मिले तो महा दुखी हूँ। ये अपन को लगता है मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत भादी। ये जो दौलत राम जी ने छेड़ाला जी में लिखा है कि इसका मतलब क्या है, इस शराब की तुलना क्यों करते हैं मोह से? जैसे शराबी को कुछ होश नहीं, ऐसे अपन रात और दिन चिंता, कुछ नहीं होना है, आप आनंद से रहो, आज में जियो, कोई चिंता मत करो, जो संयोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका परिणाम जैसा होना है वैसे ही होगा,
हम चेंज करने वाले नहीं हैं कि देह का भी परिणाम अपने हाथों पर करें क्या पंडित साहब, आनंद लो, बहुत आनंद से रहो, कोई चिंता नहीं करो, बस भेद ज्ञान रखो। माने भेद ज्ञान, माने भेद ज्ञान चिंता वाला भेद ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धा। कैसा वस्तु का स्वरूप है? जीव जुदा पुद गल जुदा, ये वस्तु का स्वरूप है। राग जुदा ते ज्ञान जुदा, ये वस्तु का स्वरूप है। एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। निज आयु छह से मरण हो या बात जनवर ने कही, ये वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। संयोग का वियोग अनिवार्य है, ये वस्तु का स्वरूप है। पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलनी है वो मिलेगी, जो नहीं मिलनी है वो नहीं मिलेगी, ये वस्तु का स्वरूप। श्रद्धान करो और आनंद से रहो। ख्याल में आए कि नहीं आए? आपको और हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये तो दुख का कारण मोह पैदा करता है। ये दुखी हम इसलिए होते हैं कि बार 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 हम दुखी कब होते हैं बोलो? जब हम बार बार वस्तु स्वरूप भूल जाते हैं, बार बार गाफिल हो जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे टोडा मल जी साहब, मायाचारी करता है रात और दिन, मायाचारी से काम नहीं बनते, मायाचारी से काम बनते। ऐसा लगता है कि हमने मायाचारी करी तो काम बन गए, कोई नहीं बनता। खूब मायाचारी करते रहो, काम बिगड़ने होते हैं, दो मिनट में बिगड़ जाते हैं, है ना। देखो काम मायाचारी नहीं करो तो भी काम बन जाते हैं।